हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। हम कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। किसने अपने ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई? किसने अपने ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई? ऑप्शन सुनिए, अबुल फजल, नैन सी, चंद्रवरदाई या गौरी शंकर ओझा। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो दीजिएगा और मैं देखूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। गुहिल वंश, इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में हम देखेंगे। उदयपुर, राजसम्मत, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। तो गुहिल वंश ने शासन किया मेवाड़ में, और मेवाड़ जो है वो किससे लगाते हैं हम? उदयपुर, राजसम्मत, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ठीक है, इन क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो मेवाड़ कहलाता था। और इस मेवाड़ में शासन करने वाले सबसे पहले गुहिल वंश के शासक जो थे वो थे गुहिल। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। तो गुहिल वंश के संस्थापक कौन कहे जाएंगे? गुहिल। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताया है, तो कर्नल टॉड इन्हें बल्लवी के शासकों से संबंधित मानते हैं। वहीं नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ बप्पा रावल। तो अभी तक जो हमने लाइन पढ़ी है उनमें से इंपॉर्टेंट दो लाइन है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, गुहिल वंश की स्थापना जो है वो की श्री गुहिल ने 566 ईस्वी में मेवाड़ में। सेकेंड लाइन याद करनी है कि गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ बप्पा रावल। चलिए अब देखते हैं बप्पा रावल के बारे में। 734 से 753 ईस्वी, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालबोज था। तो यहाँ तक आपको नोट करना है तो आप नोट करिएगा कि बप्पा रावल जो है वो गुहिल वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। इसीलिए वास्तविक संस्थापक यदि कहा जाए तो कौन कहलाते हैं गुहिल वंश के? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया और फिर अपनी राजधानी बनाया नागदा को। इंपॉर्टेंट है लाइन, नागदा को उन्होंने राजधानी बनाया। इसके अलावा एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो है वो भी उन्होंने बनवाया। कहाँ बनवाया? चित्तौड़ में। ठीक है, एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे, इसीलिए उन्होंने क्या बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इनका वास्तविक नाम था कालबोज। अब ये जो तीनों लाइनें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बप्पा कालबोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कवि राज श्यामल दास इन्होंने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं बल्कि खिताब था। तो जो कालबोज जो बप्पा रावल थे, तो इनका बप्पा नाम जो है वो क्यों पड़ा? इनके शौर्य को देखकर, बहुत ज्यादा प्रतापी थे तो इनको उपाधि मिली थी बप्पा की। ठीक है, वास्तविक नाम इनका था कालबोज। और ये हमें जानकारी मिलती कहाँ से है? ये मिलती है हमें वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास। ठीक है, पूछा जा सकता है वीर विनोद के रचनाकार कौन है? कविराज श्यामल दास। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनके मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसीलिए इतिहासकार सीवी वैद्य इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। चार्ल्स मार्टेल कौन थे? फ्रांसीसी सेनापति थे जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट देखिए, शासक हैं जैत्र सिंह। समय है इनका 1213 से 1253 ईस्वी। गुहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है,
पहले बप्पा रावल ने स्टार्टिंग की थी, उन्होंने बनाया था चित्तौड़ को अपनी राजधानी। उसके बाद चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाले थे जैत्र सिंह, ये भी गुहिल वंश के ही थे। 1227 ईस्वी में पुतेला का युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मर्दन में मिलता है। ठीक है, तो ये जो युद्ध है ये आपको याद रखना है, 1227 का पुतेला का युद्ध, जो कि होता है इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में। इसका वर्णन जो है वो मिलता है हमीर मदमर्दन, जो कि लिखा गया है जयसिंह सूरी के द्वारा। अब यहाँ पर जो हमीर मदमर्दन में हमीर जो शब्द है वो हमीर सिसोदिया के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमीर शब्द जो है वो इल्तुतमिश के लिए प्रयोग में लिया गया था। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। तो ऐसी लाइन जो है वो कहने वाले हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या कह रहे हैं वो कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान जो है वो राजा जैत्र सिंह हुए, जब गुलाम वंश चल रहा था। नेक्स्ट देखिए, रतन सिंह, रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। तो एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या करना चाहता था, केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, यही उसकी क्या थी, महत्वाकांक्षा थी। तो आपको ये याद रखना है कि 1303 ईस्वी में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के सुल्तान थे, और ये युद्ध की वजह जो थी वो क्या थी, वो आप सभी लोगों को पता है कि रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना, यही अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा थी। तो इसीलिए यह युद्ध होता है 1303 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है, और आपको याद रखना है कि 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखा गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक था। ये जो मतलब मोहम्मद जायसी ने जो लिखा तो बिल्कुल सही लिखा था, ऐसा ही हुआ था, इसका अर्थ यह है। अलाउद्दीन की डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं कि अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गौरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए, तथा रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। तो रतन सिंह के जो सेनापति थे उनके नाम थे गौरा और बादल। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो ये भी सम्मिलित हुआ। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया। तो दो लोग थे जो इस आक्रमण का वर्णन करते हैं 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। एक करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने 1540 में पद्मावत लिखा। दूसरे करते हैं अमीर खुसरो, जो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी के ही समकालीन इतिहासकार। इन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। ठीक है, तो क्लियर हो गई आपको ये बात, दो लोगों ने रतन सिंह के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम क्या रखा, खिजराबाद। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शाखा था, अंतिम शासक थे। ठीक है, तो गुहिल वंश में जो रावल शाखा थी उसके अंतिम शासक कौन थे, रतन सिंह। ठीक है, तो ये चीज जो है वो स्टोरी की तरह ही आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और राणा रावल रतन सिंह, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध की वजह जो है वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। गौरा और बादल इस युद्ध में क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। दो लोग मलिक मोहम्मद जायसी और अमीर खुसरो, इनके ग्रंथ जो है वो खजाइन उल फुतू,
और मलिक मोहम्मद जायसी के लिखित पद्मावत, इनसे हमें इनके बारे में पता लगता है, इस आक्रमण के बारे में पता लगता है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, चित्तौड़ को जीत लेता है और अपने बेटे खिजर खां को सौंप देता है और उसका नाम बदल कर रखता है खिजराबाद। नेक्स्ट देखिए, राणा हमीर, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। अब चित्तौड़ पर अधिकार जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का था, तो 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार जो है वो दोबारा से करते हैं हमीर सिसोदिया। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, विकट आक्रमणों में सिंह के सुदृश्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। ठीक है, हमीर जो थे उन्होंने दोबारा से चित्तौड़ पर अधिकार किया। उसके बाद इनके समय में कौन आया, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसको भी इन्होंने पराजित किया। तो ऐसे नाम जो है वो आपको अच्छे से याद रखने होंगे। तो हमीर ने दोबारा से चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमाया, दोबारा से गुहिल वंश की स्थापना की, इसीलिए इन्हें मेवाड़ के उद्धारक कहा जाता है, विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। तो ये हमें पता लगता है राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है शासक महाराणा लाखा, 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। अब देखिए, एक तरफ थे मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई और दूसरी तरफ कौन थे, महाराणा लाखा और उनका पुत्र चूंडा। विवाह तो होना था पुत्र चूंडा के साथ, लेकिन किसी कारणवश विवाह किससे हो गया, महाराणा लाखा से ही हो गया, जिस वजह से उनका पुत्र चूंडा जो था वो सारा राजपाट छोड़कर चले गए। क्योंकि शर्त क्या रखी थी, शर्त ये रखी थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो है वो हंसाबाई का बेटा ही होगा। ठीक है, तो राणा चूंडा जो थे वो राज्याधिकार से वंचित हो गए और वो वहां से चले गए। राजस्थान का भीष्म पिता पितामह कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह, याद रखना है। चूंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। चूंडा कौन है, महाराणा लाखा के बेटे। राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया था। अब देखिए इन लाइनों में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्या बात है, एक तो ये बात है कि राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी और सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, तो क्या हो गया, उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। और महाराणा लाखा के समय में ही एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। पूछा जा सकता है पिछोला झील का निर्माण जो है वह किस महाराणा के काल में हुआ, तो महाराणा लाखा के समय में हुआ। नेक्स्ट है महाराणा मोकल, इनका समय है 1421 से 1433 ईस्वी। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का बेटा था। ठीक है, आ गई वही बात कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, महाराणा मोकल। क्यों बनेगा, क्योंकि यही शर्त थी कि हंसाबाई का बेटा जो है वही बनेगा उत्तराधिकारी। मोकल महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चूंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। तो चूंडा कौन था, ये वास्तविक में महाराणा लाखा के बेटे थे पहले, और महाराणा मोकल जो है वो बाद में हुए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने संरक्षक का काम किया मोकल के लिए।
पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह कर रही है तो वो मेवाड़ छोड़कर मांडू चले गए। ठीक है, पहले भी वो राज्य छोड़कर चले गए थे जब उनको पता लगा था कि राज्य जो है वो किसको दिया जाएगा, हंसाबाई के बेटे को दिया जाएगा। फिर भी वो संरक्षक के रूप में महाराणा मोकल के साथ ही रहे, लेकिन साथ रहने के कारण भी जो हंसाबाई थी उनकी माँ, जो उनकी माँ बनी थी, तो उन्होंने उन पर शक किया। तो इस संदेह के कारण ही वो क्या, मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चले गए, मांडू चले गए। 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। अब इसको याद रखना है आपको, 1433 ईस्वी में मोकल की हत्या हो जाती है किसके द्वारा, चाचा व मेरा और महपा पवार के द्वारा। तो ये चाचा क्या, इनका नाम है चाचा। ठीक है, नेक्स्ट है महाराणा कुंभा, 1433 से 1668। अब महाराणा कुंभा की डेट भी आपको याद रखनी है, 1433 से 1468, और 1433 में ही मोकल की मृत्यु हुई थी। मोकल के बाद उसका पुत्र कौन है, महाराणा कुंभा। याद रखना है महाराणा कुंभा के पिता का क्या नाम है, महाराणा मोकल। तो इनकी जैसे ही मृत्यु हो जाती है 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बन जाते हैं, कौन, महाराणा कुंभा। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो जिसको नहीं पता है कि महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण, विजय स्तंभ का निर्माण क्यों कराया, तो इसका कारण था 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में उन्होंने मालवा के महमूद खिलजी को हराया था। उस विजय उपलक्ष में महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। तो पहले उन्होंने क्या किया, महमूद खिलजी को परास्त किया सारंगपुर के युद्ध में। ठीक है, सारंगपुर के युद्ध में, उसके बाद उन्होंने 1453 में मारवाड़ से मंडोर को भी छीन लिया। परंतु बाद में संधि कर उसने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। नेक्स्ट देखिए, 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। किस किस के बीच में हुई ये संधि, वही मालवा के महमूद खिलजी जिसे महाराणा कुंभा ने पराजित किया था, और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में चंपानेर की संधि हुई। ठीक है, इस संधि में यह तय हुआ कि दोनों शासक मिलकर, अब ये दोनों मिल जाएंगे, मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457 से 68 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। तो संधि तो इसीलिए हुई थी कि महाराणा कुंभा को पराजित किया जा सके, लेकिन दोनों में ही मतभेद पैदा हो गया और उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने, जिनमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ ये दुर्ग प्रसिद्ध हैं। याद रखना है सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ किसने बनवाया, ये दुर्ग बनवाए हैं महाराणा कुंभा ने। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट लाइन कि महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, कहां, मेवाड़ में, और ये बताते हैं कविराज श्यामल दास। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति व बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इसके शिल्पी मंडन, कौन थे, मंडन। याद रखना कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी हैं मंडन। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर तथा रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत हैं। कौन कौन से, कुंभ स्वामी, श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर का
जैन मंदिर। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बताया महाराणा कुंभा के बारे में। सबसे पहले महाराणा कुंभा जो है वो महाराणा मुकल के बेटे, 1433 में जैसे ही महाराणा मुकल की मृत्यु होती है महाराणा कुंभा राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। 1437 ईस्वी में वो हराते हैं महमूद खिलजी को मालवा के सारंगपुर के युद्ध में। उस उपलक्ष्य में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, ऐसा कहने वाले कवीरा श्यामल दास जी हैं। सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभ स्वामी, श्रृंगार चवरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रनकपुर का जैन मंदिर किसने बनवाया? ये महाराणा कुंभा ने। और कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है उसके शिल्पी हैं मंडन, तो आपको लोगों को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात है कि वह वेद स्मृति मीमांसा उपनिषद व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखते थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर्ण प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ठीक है, किसके द्वारा रचित ग्रंथ थे? महाराणा कुंभा के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। किसने की थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना? अत्रि और महेश ने। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा, महाराज धीराज, राव राय, दान गुरु, राज गुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भरताचार्य, हिंदू सुरताड़ आदि विरोधों से विभूषित किया गया है। तो ये सब क्या है? ये सब इनकी उपाधियां हैं। पूछा जा सकता है आपसे, ऑप्शन में चार उपाधियां आपको दे दी जाएंगी, इनमें से एक जो नहीं होगी वही आपसे पूछ ली जाएगी। महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राज गुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुरताड़। ठीक है, चलिए। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था। इतनी सारी उपाधियां लेने के बाद प्रतापी शासक ही होंगे, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। तो ये पितृहंता कहलाए उदा, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के 1468 ईस्वी में क्या कर दी? हत्या कर दी। तो पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का पितृहंता कौन है? तो वो है महाराणा कुंभा के पुत्र उदा। नेक्स्ट शासक है राणा सांगा, 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी। सांगा जिनका नाम है संग्राम सिंह, वह उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक ही था, परंतु इस संघर्ष में अंततः सांगा यानी संग्राम सिंह विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदू पत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। कब बने? 1509 ईस्वी में। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिससे एक राजपूत सरदार मैदनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मैदनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा और मेवाड़ में युद्ध छिड़ गया। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। ठीक है, ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर राणा सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी के पक्ष को न मिली। ठीक है, तो यहाँ तक आपको नोट नहीं करना है। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातोली कहाँ है? वर्तमान कोटा में। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अब ये आपको याद कर लेनी है।
कि खातोली का युद्ध जो है वो होता है 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। ठीक है, तो बाड़ी का युद्ध जो है वो किसके बीच में होता है, वो भी इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में होता है। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई। राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। तो ऐसा कहा भी जाता है कि बाबर को भारत में बुलाने वाले शासक जो हैं वो राणा सांगा थे, ऐसा बाबर कहता है। बाबर कहता था ऐसा कि राणा सांगा ने ही उसको बुलाया था कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाए। ठीक है, लेकिन बाबर ने चाहा था कि जब पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ तो उसमें साथ कौन दे, राणा सांगा साथ दें, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। तो अब जब साथ नहीं दिया तो बाबर का राणा सांगा के साथ युद्ध होता है। और कौन सा युद्ध होता है वो होता है खानवा का युद्ध। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने एवं तुगलुमा पद्धति के कारण बाबर विजयी रहा। अब देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है कि खानवा के युद्ध से पहले होता है बयाना का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसमें क्या होता है, इसमें राणा सांगा विजयी होते हैं। 17 मार्च 1527 को होता है खानवा का युद्ध, और इसमें विजयी होता है बाबर। और बाबर जो है वो इसमें क्या प्रयोग करते हैं, तोपखाने और तुगलुमा युद्ध पद्धति, ठीक है, ये अपनाते हैं। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिया, बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को क्या दे दिया, विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा, जो दौसा में पड़ता है, यहाँ पर राणा सांगा की मृत्यु हो गई और इनकी समाधि है मांडलगढ़ में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। अब हम पढ़ने वाले हैं राणा उदय सिंह के बारे में। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। तो बहुत ज्यादा अहम रोल होता है पन्नाधाय का, क्योंकि इन्होंने उदय सिंह को बचाने के लिए क्या किया, अपने पुत्र चंदन का ही बलिदान कर दिया था। क्योंकि बनवीर जो था वो मारना चाहता था किसको, उदय सिंह को। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। अब ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है कि पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाकर कहाँ रखा था, कुंभलगढ़ के किले में। वहीं मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्य अभिषेक हुआ, तथा 1540 में मावली, जो उदयपुर में है, इस युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की। उदय सिंह ने 1569 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उदय सिंह ने 1569 में उदयपुर नगर बसाया। ठीक है, याद रखना है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, उदय सिंह ने 1569 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये आपको याद रहेगा कि उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया। यहाँ उसने उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया।
अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कब किया अकबर ने? 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जैमल और फत्ता नामक अपने दो सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जैमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जैमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैमल और फत्ता जो है वो दो सेना नायक थे। किसके थे वो? राणा उदय सिंह के। ठीक है, और इससे पहले हमने गौरा और बादल को पढ़ा था, वो थे बहादुर सेनापति। किसके थे वो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी हमने हाल ही में पढ़ा तो जैमल और फत्ता जो राणा उदय सिंह के क्या थे? सेना नायक थे। तो ये भी वीरगति में प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया, इनकी वीरता इनकी महानता को देखकर आगरा के किले के बाहर इनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। ये भी याद रखना है कि आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां अकबर ने किसकी लगवाई? तो वो लगवाई जैमल और फत्ता की। और ये किसके थे सेना नायक? राणा उदय सिंह के। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप, 1572 से 1597 ईस्वी। चलिए इनकी डेट जो है वो बिल्कुल याद रखनी है बहुत अच्छे से। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में, और शासक बने 1572 में मेवाड़ के। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपने उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सरदार तो उसी को स्वीकार करेंगे जो बहुत ज्यादा योग्य हो। और उन्होंने क्या किया, जगमाल को हटाकर प्रताप को गद्दी पर बैठाया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने दूसरा विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने पहली बार उन्हें अपने सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया। तो यहां तक आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना है कि उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था और 1572 ईस्वी में वो शासक बने थे मेवाड़ के, और इनके पिता का नाम था राणा उदय सिंह। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया। कहां से? गोगुंदा से कुंभलगढ़। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य उसने चार शिष्टमंडल जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल इनके नेतृत्व में भेजे। तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि 1572 से 1576 में चार शिष्टमंडल भेजे, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। कैसे याद किया था आपने? जमा भटो। ठीक है, जमा भटो। मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं स्वीकारा। 1576 के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचे और वहीं उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 ईस्वी, कुछ विद्वान यह तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 18 जून और 21 जून आपके जो एग्जाम में यदि आता है ये क्वेश्चन कि जो युद्ध होता है हल्दी घाटी का, वो 18 जून को हुआ या 21 जून का, तो एक ही आएगा ऑप्शन, या तो 18 आएगा या 21 आएगा। ठीक है, याद रखना है 18 या 21 को खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध से नाम से प्रसिद्ध है। तो ये चीज आपको याद भी है और याद भी रखनी है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो
किसके बीच में होता है? ये होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 18 जून 1576 को। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहे थे, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहे थे। ठीक है, हरावल क्या था? यानी कि अग्रिम पंक्ति। तो एक तरफ कौन थे जो नेतृत्व कर रहे हैं? हकीम खां सूर। दूसरी तरफ मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहे हैं जगन्नाथ कछवाहा। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किसने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया था एवं प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेजा था। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, इसीलिए इसे अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध को। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। किस युद्ध को? हल्दी घाटी के युद्ध को। अबुल फजल ने कहा है खमनौर का युद्ध, बंदायू ने कहा है गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा? ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ? लाल, पीली और काली तीन रंगों वाली मिट्टी है, फिर हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी कई नव विवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ मरी। चलिए, तो यहाँ कुछ भी आपको लर्न नहीं करना है। 1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी। पहले किसके नेतृत्व में भेजी थी? पहले भेजी थी जमा भट्टो, जो मैंने आपको शॉर्ट बताया, उनके नेतृत्व में भेजी। उसके बाद इन्होंने शाहबाज खां, उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, मगर उसे सफलता नहीं मिली। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की महाराणा प्रताप ने। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीषण संघर्ष के बाद शहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर हमला किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार सेरिमा सुल्तान खां को एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी, इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध तो कैसा रहा? अनिर्णायक। ठीक है, कोई ना जीता कोई ना हारा, लेकिन मेवाड़ का जो मैराथन, दिवेर का युद्ध जो है, वो होता है महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और सुल्तान खां के बीच में। ठीक है, जिसमें सुल्तान खां जो है वो मारा जाता है और अमर सिंह की विजय होती है, और ये घटना है 1582 ईस्वी की। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर दोबारा से अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए, सारे दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो हैं वो अपनी राजधानी बनाते हैं चावंड को। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। चावंड के पास बांडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। मृत्यु जो है वो कहाँ हो रही हुई थी? 19 जनवरी 1557 को चावंड के पास बांडोली नामक गांव में। ठीक है, बांडोली नामक गांव में। प्रताप के संबंध में कर्नल टॉड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। ठीक है, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट है राणा अमर सिंह। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। अमर सिंह कौन है? महाराणा प्रताप के बेटे। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा, क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे वो तो बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली थे।
इनके बेटे जो थे इनको इतना ज्यादा अनुभव नहीं जितना कि इनके पिता को। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम, शाहजहां का उपनाम क्या था, खुर्रम, को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। किसने, शाहजहां ने। मेवाड़ के सामंत युद्धों में ऊब गए और उनकी जागीरें भी वीरान हो गई। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। तो महाराणा प्रताप ने तो अधीनता नहीं स्वीकार की थी, लेकिन अमर सिंह को दबाव में आकर क्या करनी पड़ी, मुगलों से संधि करनी पड़ी। जनवरी 1615 ईस्वी में संधि हो जाती है मेवाड़ और मुगल के बीच में, ठीक है। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो विवस्ता में आकर संधि की थी। उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। तो देखिए, चित्तौड़ जो है वो, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी बहुत सारे आक्रमणों के कारण। तो महाराणा राज सिंह ये भी मेवाड़ के ही शासक है। इन्होंने जैसे ही शासक बने इन्होंने तो इन्होंने चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित नहीं समझा और अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे, अतः महाराणा टाल मटोल करते रहे। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया। औरंगजेब ने 6,000 जात और सवार का मनसब किसे प्रदान किया था, महाराणा राज सिंह को। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होना था, उनसे विवाह किसने कर लिया, राज सिंह ने। 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौरों का साथ दिया और 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। तो देखिए, पहले तो औरंगजेब को महाराणा राज सिंह बहुत पसंद थे, अच्छे संबंध थे, उन्होंने 6,000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया था, लेकिन औरंगजेब का विवाह जो है वो होने वाला था किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से, लेकिन चारुमती विवाह नहीं करना चाहती थी। उन्होंने विवाह किया महाराणा राज सिंह से, ठीक है, जिससे 1669 ईस्वी में औरंगजेब नाखुश हो गए, उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो अब क्या होता है, अब इनका युद्ध ही होगा। तो 1679 में औरंगजेब द्वारा दोबारा से जजिया कर लगा दिया गया, जो कि अकबर ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो याद रखना है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर जो है वो लगाने का, औरंगजेब ने जजिया कर जो है वो कब लगाया, 1679 ईस्वी में। अब इसका विरोध राज सिंह करते हैं, तो उसके बाद इन दोनों में क्या होता है, संघर्ष छिड़ जाता है। तो वहां पर राज सिंह का साथ देते हैं राठौड़, लेकिन 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसी के एक साल बाद। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसम्मत झील का निर्माण करवाया, ठीक है। याद रखना है कि राज सिंह ने ही राजसम्मत झील का निर्माण करवाया। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया।
संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। किसमें है ये? संस्कृत भाषा में है। राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना करने वाले हैं रणछोड़ भट्ट, और यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है और ये संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। देखिए क्वेश्चन जो है वो ये आ चुका है एक एग्जाम में, और ये किस तरीके से आया है? ये आया है कि राज सिंह के बारे में कौन सी जो वाक्य है वो गलत है। तो वहां पर तीन जो लाइन है वो यही के यही थी। क्या? राजसम्मत झील का निर्माण कराया राज सिंह ने। राज प्रशस्ति के शिलालेख जो है, शिलालेख की रचना जो है रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। राज प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है, और चौथा ऑप्शन जो है वो कुछ और ही दे दिया था। ठीक है, तो ये जो पहला है वो आपको पूरा ही याद करना है। वीडियो काफी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे मारवाड़ के शासक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।